तो कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में आज हम लोग गाउस के नियम के अनुप्रयोग का जो नेक्स्ट अनुप्रयोग नंबर 4 है उसमें एक समान रूप से आवेशित चालक गोले के कारण या गोलीय कोष या खोखले गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ेंगे। तो चालक गोले का मतलब ये हुआ, सबसे पहले हम मानेंगे कोई कैपिटल आर त्रिज्या का, ये केंद्र ओ है और ये है कैपिटल आर त्रिज्या। तो माना कोई कैपिटल आर त्रिज्या का चालक गोला है, ठीक है, कैपिटल आर त्रिज्या का चालक गोला है। अब इसे जब हम आवेश देंगे, क्योंकि ये चालक है और चालक को जो भी हम आवेश देते हैं वह इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है, तो चालक को जो भी आवेश दिया जाता है वह इसके पृष्ठ पर फैलता है, ठीक है। यस। तो मान लिया इस गोले को हमने कितना आवेश दिया है, प्लस का क्यू क्यू, ठीक है। तो माना कैपिटल आर त्रिज्या का कोई एक चालक गोला है जिस पर प्लस क्यू एक समान रूप से वितरित है, स्टेटमेंट हो गई। माना कैपिटल आर त्रिज्या का कोई चालक गोला है जिस पर प्लस क्यू एक समान रूप से वितरित है, ठीक है। तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र का मान कितना आएगा, 3 विमाओं के रूप में आएगा, क्योंकि ये गोला है, ठीक है ना। 3 विमाओं में मतलब सबसे पहले 3 रूपों में निकालेंगे, सबसे पहले इस गोले के बाहर कितना होगा, फिर गोले के पृष्ठ पर कितना होगा, और फिर इस गोले के अंदर यानी भीतर कितना होगा। तो ये चीज हम निकालेंगे। तो सबसे पहला केस निकल के आता है गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो इसके लिए चित्र क्या बनेगा वो दोबारा हम बना लेते हैं यहां पर। तो सबसे पहले एक गोला बनाएंगे, ठीक है। इस गोले का केंद्र क्या है, ओ है, इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है, और इस पर जो आवेश दिया गया, क्योंकि गोला है, गोले को जो भी खोखला गोला या चालक गोला है, इसको जो भी हम आवेश देंगे वह इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा या वितरित हो जाएगा, ठीक है। अब गोले के बाहर, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जब बिंदु पी गोले के बाहर हो, एक बिंदु पी की कल्पना करते हैं, बिंदु पी पर ही क्या निकाला जाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये ओ से पी की दूरी कौन दिखाता है, स्मॉल आर। यहां से कह सकते हैं जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से क्या होगा, ज्यादा, स्मॉल आर ज्यादा और कैपिटल आर कम है, छोटा है, ठीक है। तो इसके लिए हम करते क्या है, पी से होकर जाने वाला एक इसी के इस गोले का सिमेट्रिक सममित क्या बनेगा, गोला ही बनेगा। तो इसके लिए पी से होकर जाने वाला स्मॉल आर त्रिज्या का गोलाकार गौसियन पृष्ठ खींचते हैं। तो इसके लिए पी से होकर जाने वाला स्मॉल आर त्रिज्या का गोलाकार गौसियन पृष्ठ खींचते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब देखेंगे अगर जो इस वाले पूरे प्लस के कारण, इसको कितना आवेश दिया गया है, प्लस का क्यू, और प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होता है, दूर। तो बिंदु पी पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वह इससे कहां जाएगा, दूर जाएगा, और बिंदु पी पर ही हम क्या लेते हैं, हमेशा एक अल्पांश, उस अल्पांश का नाम क्या है, इसका एरिया ए है, तो उसका एक अल्पांश छोटा सा टुकड़ा निकालेंगे इसी। अब इस डीए का क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, जिस ओर वेक्टर ई है, ठीक है। यहां पर लेंगे तो ई यहां पर भी दूर जाएगा, बिंदु पी यहां पर लेते तो प्लस के कारण दूर जाएगा, तो चाहे जहां पर लेंगे हम, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, और क्षेत्रफल सदिश भी क्या है, क्षेत्रफल सदिश भी उधर ही लेंगे, इस ओर नहीं लेंगे, लंबवत इधर लेंगे बाहर की ओर, ठीक है, ऐसे लंबवत बाहर की ओर। इस समय देखेंगे दोनों के मध्य एंगल कितना बनेगा, दिशा समान है तो एंगल कितना बनेगा, जीरो बनेगा, ठीक है। तो अल्पांश वही आगे लिखेंगे, अल्पांश डीए से निर्गत
वैद्युत फ्लक्स। तो सबसे पहले हम फ्लक्स की परिभाषा से क्या निकालते हैं, फाई का मान, और फिर इसके बाद एक दूसरा फाई का मान निकालेंगे गाउस के नियम से, और फिर तुलना करा करके वैद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे। वैद्युत फ्लक्स छोटे से टुकड़े से कम ही वैद्युत बल रेखाएं जाएंगी, और वैद्युत बल रेखाएं ही क्या बताती हैं, वैद्युत फ्लक्स। ये क्या पढ़ा है, ई डी ए कॉस थीटा। थीटा क्या है, ई और डी ए के मध्य बना कोण, वेक्टर ई और वेक्टर डी ए के मध्य बना कोण, ठीक है। कितना कोण बन रहा है, जीरो अंश। क्या कोई और अल्पांश लेना पड़ेगा, नहीं नहीं, इसके लिए एक ही अल्पांश लेंगे और पता चल जाएगा पूरे गाउसियन पृष्ठ से कुल कितना जा रहा है फ्लक्स। तो इसके लिए क्या करेंगे, डी फाइव इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई डी ए का जीरो अंश की वैल्यू कितनी होती है, एक। अब संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ के लिए निकालेंगे, और संपूर्ण के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, समाकलन। क्या करते हैं, समाकलन। संपूर्ण गोलाकार गाउसियन पृष्ठ कैसा लिया गया है, गोलाकार गाउसियन पृष्ठ से, संपूर्ण गोलाकार गाउसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। तो पूरे गाउसियन पृष्ठ से कितना गुजरेगा, अब देखेंगे तो पूरे गाउसियन पृष्ठ, ये जो डॉटेड लाइन से बनाया गया है यही गाउसियन पृष्ठ है, यही क्या है, गाउसियन पृष्ठ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, छोटे से डी फाई का क्या करना है, समाकलन। तो डी फाई की वैल्यू क्या पढ़ी गई है, ई डी ए, ई बाहर चला जाएगा और अंदर क्या बचेगा, DA. और डी ए किस, देखो आगे कुछ नहीं लिखा तो क्या लिखा, वन। तो वन का समाकलन ए के रिस्पेक्ट में हमेशा ए ही होता है, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वही होता है, यानी डी ए डी हट जाके क्या आ जाएगा, ए। ए क्या है, इस गोलाकार गाउसियन पृष्ठ का जो अल्पांश लिया गया है वो किस में लिया गया है, गाउसियन पृष्ठ में लिया गया, ठीक है। तो ए है गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। गाउसियन पृष्ठ कैसा है, गोलाकार है, गोलाकार मतलब फुटबॉल जैसा, ठीक है। और निकालेंगे अगर जो इसकी वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, छोटे छोटे डी ए मिलाएंगे तो इसका क्या बनेगा, वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ कितना होता है, 4 पाई आर, इसकी त्रिज्या है, गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या आर है, गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है लेकिन गाउसियन पृष्ठ की स्मॉल आर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब से समीकरण दो बनाने के लिए हम क्या बताए थे, गाउस का नियम, तो गॉस का नियम यूज करेंगे। गॉस के नियम से क्या था, फाई इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू क्या है, गॉसियन पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश। इस डॉटेड वाली लाइन में देखेंगे तो कितना आवेश आएगा, जितना इस गोले के ऊपर है, बाहर बाहर पृष्ठ पर। तो इस गोले को हमने कितना आवेश दिया था, प्लस क्यू, तो इस पर आवेश प्लस का क्यू और बटे में एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर दो। अब समीकरण एक और दो की क्या करा लेंगे, तुलना करा लेंगे। तो समीकरण एक और दो की तुलना कराएंगे तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, तो LHS बराबर है तो RHS भी बराबर। तो E ब्रैकेट में 4 पाई आर स्क्वायर जो है किसके बराबर हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर बटे में आएगा, 4 पाई को हम एप्सिलॉन नॉट के साथ लिखेंगे, और इनटू में क्या बच रहा है, क्यू, और क्या बच रहा है, आर स्क्वायर। यही क्या मिल जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अतः गोले के बाहर कितनी दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर कितना वैद्युत क्षेत्र आएगा, 1/4 πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम क्या निकालेंगे, गोले के पृष्ठ पर, कहां पर निकालेंगे, गोले के पृष्ठ। तो सेकेंड इसका है, गोले के बाहर हो गया, अब गोले के पृष्ठ पर। तो गोला कैसा है हमारा, ये गोला है, सबसे पहले लिख लेते हैं स्टेटमेंट, गोले के पृष्ठ पर, पृष्ठ या सतह पर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है ना।
या जब बिंदु P गोले के बाहर हो तब क्या होगा, बिंदु P गोले के सतह पर हो पृष्ठ पर हो तब क्या होगा, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं, ये गोला है, ये केंद्र O है, ये त्रिज्या कैपिटल R है, कितना आवेश दिया जा रहा है, प्लस क्यों दिया गया है इस गोले को आवेश, ठीक है। अब यही इसी बिंदु पर हम क्या रखेंगे, इसी पृष्ठ पर हम बिंदु P रखेंगे और P की O से दूरी कौन बताता है, R। तो ध्यान से देखेंगे तो R कैपिटल R और स्मॉल R क्या है बराबर, तो गोले के पृष्ठ पर जाएंगे तो स्मॉल R और कैपिटल R क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं। बस विद्युत क्षेत्र क्या रखना पड़ेगा, गोले के पृष्ठ के लिए हम स्मॉल R की जगह पर क्या रख देंगे कैपिटल R, और बाकी सब जो विद्युत क्षेत्र आया है वही आएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट इनटू आवेश कितना है, अगर यहाँ पर गाउसियन पृष्ठ लेंगे तो इसमें कितना आवेश आएगा, इस पर जितना पृष्ठ पर उपस्थित है पृष्ठ पर कितना आवेश लिया गया है, क्यों सेम वही चीज आएगा, और स्मॉल आर की जगह पर क्या आ जाएगा, स्मॉल आर की जगह पर हम पुट कर देंगे कैपिटल आर, यही क्या बन जाता है इसका सूत्र, ठीक है। अब बिंदु पी को कहाँ रखेंगे, गोले के भीतर, अब गोले के बाहर हो गया, गोले के पृष्ठ पर हो गया, अब गोले के भीतर आएंगे, गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र को किससे लिखते हैं, वेक्टर E से। इस स्थिति में स्मॉल r और बड़ा होगा, स्मॉल r छोटा होगा कैपिटल R से। देखिए कैसे, ये गोला है ठीक है, और इस गोले की जो त्रिज्या, ये केंद्र हो गया, इसकी त्रिज्या कितनी है कैपिटल R। अब यहाँ कहीं अगर बिंदु P रखेंगे तो बिंदु P की O से दूरी कौन बताता है, स्मॉल R, स्मॉल R, ठीक है। इसमें क्या था, जब बिंदु P गोले के बाहर हो, बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो, बिंदु P गोले के भीतर, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, बिंदु P से होकर जाने वाला स्मॉल R त्रिज्या का गोलाकार गाउसियन पृष्ठ खींचते हैं, यही तो पढ़ा गया है, और गोले के ऊपर ऊपर कितना विद्युत क्षेत्र है, क्या गाउसियन पृष्ठ के भीतर जो डॉटेड लाइन से हमने बनाया है, जो डॉटेड लाइन से हमने बनाया उसके भीतर कोई आवेश है, आवेश कहाँ पर है पहले ये बताइए, पृष्ठ पर, पृष्ठ पर, क्या इस गोले के भीतर कोई आवेश है, अगर जो आवेश ही नहीं है तो क्या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, नहीं उत्पन्न होगा। अब क्योंकि गाउस नियम से यूज करेंगे, कौन सा नियम, गाउस नियम, फ्लक्स का मान क्या है, फाई इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब गाउसियन पृष्ठ के भीतर बताओ कोई आवेश है, नहीं है, तो आवेश का मान कितना हो गया, जीरो बटा एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स का मान कितना आ गया, जीरो, और फ्लक्स हमने कितना पढ़ा है, E A cos थीटा, फाई के लिए D फाई के लिए पढ़ा E D A cos थीटा, लेकिन फाई के लिए E A cos थीटा, तो यहां से E की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, जीरो। अतः गोले के भीतर या चालक अचालक खोखले गोले के भीतर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो क्या होता है, जीरो, ठीक है। गोले के पृष्ठ पर 1/4π0 को हम स्मॉल k भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ गोले के बाहर कितना होता है, बाहर जो भी दूरी हो वही रखना है r, अगर पृष्ठ की बात कर रही हो तो दूरी दे चाहे ना दे हम क्या रख देंगे नीचे, त्रिज्या, ठीक है, और अंदर आवेश नहीं होता है तो इसलिए विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाता है, जीरो। तो ये था गोलीय कोश या चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दूसरा अनुप्रयोग देखते हैं, अनुप्रयोग नंबर 5 जो कि लास्ट है, अचालक गोले के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी तक हमने देखा था कि चालक गोले के कारण कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, अब हम देखेंगे अचालक गोले के कारण कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये सेम जैसे अभी हमने पढ़ा है, गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर,
पहला और दूसरा बिल्कुल पिछले वाले का जैसा है, लेकिन उसमें तीसरा वाला क्या गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य हो गया था आवेश ने, लेकिन ये अचालक गोला है। और अचालक गोले की खास बात ये होती है कि उसको हम जो भी आवेश देते हैं वह उसके भीतर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो इसको जो भी हम आवेश देंगे वह इसके अंदर एक समान रूप से, एक समान रूप से मतलब हर जगह बराबर बराबर फैल जाता है। ठीक है, तो माना कैपिटल आर त्रिज्या का कोई एक गोला है और वो कौन सा गोला है? अचालक गोला। कौन सा गोला? अचालक। अचालक गोले को जो भी हम आवेश देंगे वह उसके अंदर फैल जाता है, चालक को जो भी देंगे वह उसके पृष्ठ पर फैल जाता है, ऊपर ऊपर, और अचालक को जो भी देंगे वह उसके अंदर। ठीक है ना, तो माना कैपिटल आर त्रिज्या का कोई अचालक गोला है जिसको प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया गया, या जिसके भीतर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, जिसके भीतर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले गोले के बाहर हम निकालेंगे विद्युत क्षेत्र। तो जब बिंदु P कहाँ पर होगा? गोले के बाहर होगा, गोले के बाहर। दूरी कितनी होती है ये? स्मॉल r। अब इसके लिए क्या करते हैं, P से होकर जाने वाला एक गोलाकार गाउसियन पृष्ठ खींचते। तो इसके लिए P से होकर जाने वाला कितनी त्रिज्या का? स्मॉल r त्रिज्या का गोलाकार गाउसियन पृष्ठ खींचते। अब पहला नंबर डाल दीजिए, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र, और इस अवस्था में या इस स्थिति में जो स्मॉल आर होगा वो कैपिटल आर से बड़ा होगा, स्मॉल आर ज्यादा और कैपिटल आर कम। अब क्या करते हैं, अब जितना भी धनावेश है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होता है? दूर जाता है। तो बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा? दूर जाएगा कि नहीं जाएगा? जी सर। उसकी दिशा बाहर की ओर होगी। और P पर ही हम क्या लेते हैं? एक अल्पांश लेते हैं, उस अल्पांश का नाम क्या है? dA। और इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा? लंबवत बाहर की ओर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसे लंबवत बाहर की ओर। ई के विपरीत नहीं लेंगे, ई की दिशा में ही हम हमेशा dA वेक्टर लेते हैं। लंबवत होगा या तो E की दिशा में होगा, दोनों एक ही दिशा में आ रहे हैं तो एंगल कितना बनेगा दोनों के मध्य? जीरो। तो वही सेम प्रोसेस अल्पांश dA से निर्गत फ्लक्स क्या होगा? d phi E dA cos थीटा। थीटा का मान देखो कितना है? जीरो अंश। और cos जीरो अंश की वैल्यू क्या होती है? एक। तो ये आ गया E dA, d phi की वैल्यू आ गई। हमको पूरे गाउसियन पृष्ठ से निकालना है, पूरे गाउसियन पृष्ठ के लिए हम क्या करते हैं? समाकलन, संपूर्ण गाउसियन या गोलाकार गाउसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, यानी पूरे गोले से कुल कितनी विद्युत रेखाएं निकलेंगी वो क्या होगा? फाई। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डी फाई का समाकलन। अब डी फाई की वैल्यू जब निकालेंगे तो कितनी निकालेंगे? ये ई डी ए, ई कांस्टेंट होगा क्योंकि हर एक डी ए से ई समान जाएगा, और क्या बच रहा है? केवल dA। अब छोटे छोटे dA मिलाएंगे, समाकलन का मतलब होता है कि चीजें कितनी जल्दी जुड़ रही हैं। तो समाकलन का मतलब होता है जुड़ना। तो जब जोड़ेंगे तो पूरा क्या बनेगा? इसका वक्र पृष्ठ, क्योंकि A क्या है? इस गोले का वक्र पृष्ठ। जैसे एक फुटबॉल है, फुटबॉल का एक छोटा सा टुकड़ा लिया गया है, अब इन छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाएंगे तो गोले के बाहर, फुटबॉल के बाहर वाला हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
तो बाहर वाला हिस्सा होता है वक्रपृष्ठ, बाहर वाला हिस्सा क्या होता है वक्रपृष्ठ, जैसे ये है गोल गोल वाला हिस्सा वक्रपृष्ठ रहता है, ठीक है। तो छोटे छोटे इस डीए आगे कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिखा है वन, वन डीए का समाकलन होता है ए, डी हट जाएगा क्या बच्चा ए, ए क्या है इस गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो गाउसियन पृष्ठ कैसा है गोलाकार है, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ये गोले का क्षेत्रफल 4π, त्रिज्या कितनी है इसकी स्मॉल r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसे यहाँ पर नाम देंगे। अब फ्लक्स का मान मिल गया हमें, एक परिभाषा वाला मिल गया, अब गाउस का नियम यूज करें। तो गाउस या गॉस नियम से, तो गॉस नियम क्या कहता है फाई ई जो होता है वो सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। सिग्मा क्यू क्या है इस पूरे गाउसियन पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश, तो इस पूरे गाउसियन के पृष्ठ के भीतर उतना ही आवेश होगा जितना इस गोले के अंदर है, जितना इस गोले के अंदर है। अब इस गोले के अंदर कितना आवेश है क्यों, क्यों आवेश है, तो फिर क्यों आवेश रख देंगे और बटे में क्या है साइलेंट नॉट, समीकरण नंबर दो। अब एक और दो की क्या कराएंगे तुलना कराएंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर है, तो ई ब्रैकेट में 4π आर स्क्वायर जो है किसके बराबर हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन। अब 4π आर स्क्वायर नीचे लाएंगे तो ई की वैल्यू मिल जाएगी, तो ई इक्वल्स टू 1/4π के साथ हम लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट, और आर स्क्वायर किसके बटे में भेजेंगे क्यों के बटे में, यही क्या बन जाएगा इसका आंसर। ये कैसा है सेम चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र जो आया था उसी के जैसा। अब हम कहां पर निकालेंगे गोले के पृष्ठ पर, कहां पर निकालेंगे गोले के पृष्ठ पर, तीन ही स्थितियां हैं, तो ये गोला है, ये केंद्र है, ये कैपिटल आर त्रिज्या है, और पृष्ठ के लिए स्मॉल आर ये है, और यहां पर बिंदु टी, और इसके अंदर कितना आवेश है प्लस क्यू, एक समान रूप से वितरित है। ध्यान से देखेंगे तो इस स्थिति में स्मॉल आर किसके बराबर होगा कैपिटल आर के, तो ई का मान क्या आ जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट, और इनटू जहां स्मॉल आर लिखा है वहां पर हम क्या लिख देंगे कैपिटल आर, यही बन जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना जी। पूरा अगर हल करेंगे तो इतना ही आएगा, जितना स्मॉल आर है उतना ही कैपिटल आर, और कैपिटल आर हमें दिया रहेगा तो स्मॉल आर की हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो स्मॉल आर की जगह पर हम क्या रख देंगे कैपिटल आर, बस हो जाएगा। और तीसरा क्या है गोले के भीतर, वैद्युत क्षेत्र यानी वेक्टर ई, इस स्थिति में स्मॉल आर छोटा होगा और कैपिटल आर बड़ा होगा, तो एक गोला मान लेंगे हैं, ठीक है, जो गोला दिया गया है उसकी त्रिज्या कितनी थी, केंद्र ओ है, इसकी त्रिज्या कितनी है कैपिटल आर, और यहाँ कहीं बिंदु पी लेंगे, और इस बिंदु पी की ओ से दूरी क्या थी स्मॉल आर, अब स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोलाकार गाउसियन पृष्ठ खींचते हैं, और यहाँ पर क्या है प्लस का क्यू, एक समान रूप से क्या है अच्छा जितना इस गोले में जगह होगा उतना इसमें क्या आ सकता है, आ सकता है कि नहीं आ सकता, तो इसमें जगह कितनी घेरे हुए है आवेश, जितना इसका आयतन है, जितना इसका आयतन है, ये याद रखना जितना इसका आयतन होगा उतनी ही इसमें क्या होगी जगह को घेरे रहेगा। यहीं पर क्या लेते हैं एक अल्पांश, वैद्युत क्षेत्र क्या होगा दूर जाएगा कि नहीं जाएगा, और डी ए वेक्टर भी क्या होगा दूर जा रहा है, दोनों की दिशाएं एक ही ओर हैं, एंगल कितना बनेगा जीरो अंश, सेम वही चीज डी फाई कितना निकल के आएगा ई डी ए कॉस जीरो अंश, कॉस जीरो अंश की वैल्यू कितनी होती है तो ये हो गया ई डी ए। अब यहाँ पर फाई की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं डी फाई का समाकलन करते हैं,
ई बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बच रहा है डी ए, और डी ए क्या है गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, डी ए क्या है डी ए, छोटे छोटे डी ए मिलाएंगे क्या बनेगा गाउसियन पृष्ठ बनेगा, पृष्ठ बनेगा बताया नहीं जी। तो डी ए का समाकलन ए होता है, ए किसका किसका अल्पांश था गाउसियन पृष्ठ का, गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है ए है, तो ए क्योंकि गोलाकार है गोले का क्षेत्रफल 4π r2। इक्वेशन नंबर क्या बन गया, ये 1 बन गया। यहां से गॉस नियम जब लगाएंगे, कौन सा नियम क्या है, फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन इप्साइलन नॉट। सिग्मा क्यू क्या है गाउसियन पृष्ठ, ये वाला है गाउसियन पृष्ठ, गाउसियन पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश, और गाउसियन पृष्ठ के भीतर कुल कितना आवेश है प्लस नहीं प्लस का क्यू, तो इस बड़े वाले गोले का आवेश है और हमको कितने का चाहिए अंदर वाले का, तो इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर निकालते हैं, तो बड़े वाले गोले में कितना आवेश आ सकता है जितना इसका आयतन है, और आयतन गोले का कितना होता है 4/3, त्रिज्या क्या है बड़े वाले की कैपिटल आर, इसमें टोटल कितना आवेश जा सकता है जितना हमने दिया है, कितना आवेश दिया है क्यों आवेश, तो इस पूरे गोले में कितना आवेश जा सकता है जितनी इसमें जगह होगी, जितना आवेश स्थान घेरेगा, कोई भी आवेश कितना स्थान घेर सकता है जितना उसका आयतन है, ठीक है ना। तो इसका आयतन कितना होगा गोले का 4/3 πr, तो एकांक आयतन में कितना होगा आवेश 1 m³ में क्यू अपॉन 4/3 πr³। वही सेम प्रोसेस, 10 पेन ₹50 के, तो 1 पेन 10/50 10 पेन ₹50 के, तो 1 पेन कितने का मिलेगा 5 का। क्या कराया गया भाग दिया गया है कि 5 पेन का मूल्य ₹30 है, तो ऐसे 15 पेन का मूल्य कितना होगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 1 पेन का मूल्य निकालते हैं, तो 5 पेन 6 ₹30 के हैं, तो 1 पेन कितने का है 6 रुपए का। अब 1 का पता चल गया, जितने का चाहिए हम उत्ते से क्या करा देंगे गुणा करा देंगे, तो 15 × 6 15 पेन हमको मिल जाएंगे, ठीक है ना जी सर। तो सबसे पहले 5 पेन 30 रुपए के, तो 1 पेन 30/5 = 6 रुपए, 1 पेन का पता चल गया। अब हमको जितने पेन का चाहिए हम उतने का निकालेंगे, तो एकांक आयतन का हमको मिल गया कि नहीं, हमको कितने आयतन का चाहिए, जितने आयतन का क्या है गाउसियन पृष्ठ है, और गाउसियन पृष्ठ कैसा है गोलाकार, और इस गोलाकार गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा 4/3 πr, इसकी त्रिज्या कितनी स्मॉल आर क्यूब बराबर 1 का पता है, इधर कितने से गुणा कराया गया 2 से कराएंगे, तो 2 से गुणा 3 से है तो 3, 4 के लिए निकालना होगा 4 से गुणा 5 के लिए निकालना होगा तो 5, तो 4/3 πr³ के लिए निकालना होगा तो 4/3 πr³ नीचे भी था और इधर गुणा हो जाएगा, जितने का चाहिए उतने से गुणा, पाई से पाई कैंसिल, 4/3 से 4/3 कैंसिल, यहाँ से सिग्मा क्यू की वैल्यू कितनी आ गई क्यू, और क्या बच रहा है ऊपर आर क्यूब, और नीचे क्या बच रहा है कैपिटल आर क्यूब। ये क्लियर है कि नहीं, बस सबसे मेन यही है, इसके पूरे आयतन में आवेश कितना है 4/3 πr³ है, कितना आवेश दिया गया है क्यू, तो एकांक आयतन में क्यू 4/3 πr³, हमको इतने का चाहिए आवेश, इतने में कुल कितना आवेश है यही तो सिग्मा क्यू है गाउसियन पृष्ठ है, इसमें कुल कितना आवेश है सिग्मा क्यू, तो इसमें कुल कितना आवेश आ सकता है जितनी इसमें जगह होगी कि नहीं होगी, तो इसकी जगह कितनी है इसके आयतन पर निर्भर है, इसका आयतन कितना होता है आयतन गोले का होता है 4/3 πr³, इसकी त्रिज्या कितनी है स्मॉल आर, तो स्मॉल आर क्यूब। अब 1 का पता है, 1 का 10 रुपए का है, 1 सामान 10 रुपए का, दो लेंगे पेन तो 20 रुपए, 2 × 10 3 लेंगे तो 3 × 10 4 लेंगे तो 4 × 10 ऐसे 5 लेंगे तो, और 10 लेंगे तो n लेंगे तो n × 10 और ऐसे 4/3 πr³ लेंगे तो 4/3
तो जितने का चाहिए उतने से ही क्या करा देंगे गुणा। तो इसे हल करके जो भी वैल्यू आएगी इस पूरे आयतन में जो आवेश होगा वही क्या है सिग्मा क्यू वही है। तो सिग्मा क्यू की वैल्यू देखो कितनी आई है क्यू आर क्यूब और बटे में कैपिटल आर क्यूब और नीचे साथ में क्या बच रहा इप्साइलन। इक्वेशन नंबर क्या बन गया अब फर्स्ट और सेकंड की क्या करा देंगे तुलना LHS बराबर है RHS बराबर हो जाएगा तो E ब्रैकेट में 4 पाई R स्क्वायर बराबर में कितना आ गया Q R क्यूब और नीचे इप्साइलन नॉट R क्यूब R यहाँ 3 R है यहाँ 2 R कितने बचेगा एक। अब 4 पाई को कहाँ लाएंगे नीचे E इक्वल्स टू 1/4 पाई के साथ हम क्या लेंगे इप्साइलन नॉट ऊपर क्या बच रहा है क्यू और कितने आर बचे एक और नीचे कितने आर बच रहे हैं तीन यही क्या बन जाएगा इसका आंसर न्यूटन प्रति कूलम। तो यहाँ पर गॉस नियम के अनुप्रयोग समाप्त होते हैं। अब हम इसमें जो है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और फिर नया चैप्टर शुरुआत होगा स्थिर वैद्युत विभव तथा संधारित्र की धारिता ठीक है ना जी सर।